सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा हर जीवों में साई बसा है हर जीवों में साई बसा है कोई न लागे दूजा अलग है साई पूजा अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा। नमस्कार, मैं प्रीति भट्ट ग्वालियर मध्य प्रदेश से आपको साई पूजा चैनल के माध्यम से अपनी एक साई अनुभूति बताने जा रही हूँ। तो मेरी ये अनुभूति है लगभग सन 2008 या 9 के बीच की बात है, जब मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम लोग सब शिरडी जा रहे थे। तो और इनके एक फ्रेंड हैं जो जबलपुर से हैं, वो भी अपने फैमिली के साथ शिरडी जा रहे थे। तो हम लोग सब शिरडी पहुंच जाते हैं और शिरडी पहुंच के संस्थान में रुकते हैं और वहां पर तैयार होके हम लोग बस की लाइन में मंदिर जाने के लिए लगे हुए होते हैं। ये उस समय की बात है। और तभी क्या होता है कि मेरे घर से ग्वालियर से फ़ोन आता है इनके फ़ोन पे कि मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो ये मेरे को बताते हैं, तो मुझे उनको बोलते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया है और उनकी क्रिटिकल कंडीशन है। तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ क्योंकि दादी की एज जो है काफ़ी होती है, 90 या उससे अबव थी वो। तो मुझे लगता है कि अब तो मतलब उनकी जब तबीयत इतनी ख़राब है तो मुश्किल ही है। हम लोग तो उसी दिन आए हुए होते हैं, तो अब कैसे पहुँचेंगे और कैसे उनसे मिल पाएंगे। तो मैं काफ़ी रो रही थी, चिंता कर रही थी। तो सभी लोग मेरे को समझाने लगे कि अरे तुम घबराती क्यों हो, तुम तो बाबा के दर्शन करने के लिए आई हो, तो बाबा से प्रार्थना करो। तो बाबा उनको अभी तो हॉस्पिटल में हैं, उनको अच्छा कर देंगे। मैं केवल घबरा इसीलिए रही थी कि ऐसा ना हो कि मैं उनसे मिल ही ना पाऊँ आखिरी समय में और उनको कुछ हो जाए। तो सभी ने मेरे को बोला कि नहीं प्रार्थना करो। तो फिर हम सभी लोग मंदिर गए और मैंने जब बाबा के दर्शन किए तो बाबा से मैंने बहुत प्रार्थना की। मैं रोती जा रही थी, बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरे को इतना समय तो दो कि मैं अपनी दादी के से मिल सकूं आखिरी समय पे। ये तो मुझे पता है कि उनकी उम्र ज़्यादा है, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, लेकिन कम से कम इतनी उम्र तो दो कि मैं उनसे मिल पाऊं। तो फिर बाबा से प्रार्थना करके और हम लोग बाहर मैं निकल आती हूँ और उसके बाद हम लोग सब अपने जो संस्थान में रूम था वहाँ हम लोग रुक जाते हैं। तो शाम के समय फिर बैठते हैं, तो मैंने पापा को फ़ोन लगाया तो पापा से बात होती है। तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, वो दादी अब ठीक हैं और तुम अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करो, अभी मत आओ ग्वालियर और तुम लोग सब जगह घूम फिर के आओ। तो फिर उनकी बात सुन के मुझे हिम्मत आती है और फिर मैं इनसे बोलती हूँ चलो फिर अपन सब जगह चलेंगे। तो फिर हम लोग नासिक और शनि शिंगणापुर वगैरह सारे दर्शन करते हुए घूम फिर के फिर हम ग्वालियर आते हैं। ग्वालियर आने के बाद फिर मैं दादी से मिलती हूँ और बाबा की मतलब ये घटना जो है, बाबा ने जो दादी को समय दिया उसके लिए मतलब मेरी भक्ति और दृढ़ होती है कि बाबा ने मेरी बात मान ली और इस तरह से उनको दादी को ठीक कर दिया कि मैं उनसे आखिरी समय भी मैं भी मिल पाऊँगी, मतलब अभी तो कम से कम मिल ही पाऊँगी ये मैं सोच रही थी कि उन्होंने ठीक कर दिया। तो उसके बाद दादी से काफ़ी मिलने के बाद मतलब इस तरह से वो 5-6 महीने लगभग हो जाते हैं, वो सही रहती हैं और थोड़ी बहुत तो चलती रहती पर वो ठीक रहती हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी उम्र तो थी ज़्यादा, उनकी 90 या उससे ऊपर की थी, तो धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब ये इनके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे हैं, तो इनको कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सभी लोग उनकी देख रेख जितना कर सकते थे सब करते हैं और एक दिन वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो काफ़ी हम बच्चों का सबका उनसे बहुत लगाव होता है, तो मेरे मन में बहुत दुख होता है कि दादी ऐसे ऐसे मतलब हो गई। और काफ़ी दुख रहता ही है, कोई अपना व्यक्ति है कितना भी उसकी एज हो, लेकिन लगता ही है मन में।
तो मैं दुखी रहती हूँ, तो ये बोलते हैं कि चलो अच्छा अपन शिरडी चलते हैं। तो हम लोगों का लगभग ऐसा होता था कि 6-8 महीने में हम लोगों का प्रोग्राम बन ही जाता था। तो इनके वो जो दोस्त हैं जबलपुर वाले हैं, उन्हीं का पूरा श्रेय जाता है साईं बाबा से हम लोगों को मिलाने का, बोलिए या मतलब हमारी भक्ति जो है धीरे धीरे उन्हीं के कारण जाते जाते दृढ़ हुई। वही हमको ले जाते थे, उनके साथ हम जाते थे और धीरे धीरे करते करते हम बाबा से जुड़े। तो इसका पूरा श्रेय मैं उन्हीं को देती हूँ कि उनके कारण ही हम लोग गए और बाबा से जुड़े। तो फिर से वो प्रोग्राम बनाते हैं और हम लोग भी उनके साथ जाते हैं। तो ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ से ग्वालियर से ट्रेन में बैठ जाते हैं। ये जो मतलब मेन घटना है वो वहीं की है जब हम ग्वालियर से शिरडी के लिए जा रहे थे उस ट्रेन की। तो ट्रेन में जब हम जाते हैं और बैठे होते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे दोनों बैठे होते हैं हम लोग, तो हम क्या देखते हैं कि सामने से एक लेडी आ रही है जो जो बिल्कुल मतलब उस वो लेडी जो देखने में बिल्कुल मेरी दादी की तरह दिखाई दे रही थी। उसका उसका चेहरा, उसकी कदकाठी बिल्कुल वैसी ही थी। तो वो जैसे ही मैं देखती हूँ तो मैं उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाती हूँ और मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि देखना ये तो बिल्कुल अम्मा के जैसी दिखाई दे रही हैं। तो ये भी देखते हैं तो ये बोलते हैं हाँ ये तो बिल्कुल अम्मा ही लग रही हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, मेरे को लगता है कि मतलब बच्चे भी देखें तो बच्चों ने देखा तो बच्चे भी बोलते हैं दोनों कि हाँ मम्मी ये तो बिल्कुल अम्मा ही दिखाई दे रही हैं। उसके बाद वो लेडी एकदम पास में आती है, तो जब जैसे ही वो पास में आती है तो वो अपना हाथ आगे करती है ऐसे, और उसने जैसे ही वो हाथ आगे किया होता है तो मैं उसके उसको तो कुछ नहीं, हाथ वात तो नहीं देखा मैंने, मैं बस केवल उसको आंखों में ही देखे जा रही थी। और मैं मतलब उसको देख के इतनी आश्चर्यचकित थी कि आपको मैं क्या बताऊँ कि वो केवल ये था कि मेरी दादी थोड़ी गोरी थी और ये जो लेडी थी वो केवल सांवली थी और जो बिल्कुल वैसी ही दादी के जैसी ही दिखाई दे रही थी। तो इसको देख के मैं इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा मतलब ज़िंदगी में मैंने पहला कोई इतना नहीं देखा था कि जो इतना सिमिलर दिखता हो। मतलब वो बिल्कुल ही दादी थी कि उसकी आँखें जैसी वो गोल बिंदी लगाती थी वैसी ही बिंदी, बस वो बंजारे की ड्रेस पहने हुए थी और थोड़ी सांवली थी, बस इतना फ़र्क था, बाकी वो बिल्कुल दादी ही थी। मतलब हम चारों देख के उसको आश्चर्यचकित हो गए कि ये अम्मा तो जो ख़त्म हो गई ये कैसे आ गई, और इतनी देख के इतनी सिमिलर, इतना कि मतलब कोई भी हैरान हो जाए जिसने दादी को देखा हो। तो वो आगे हाथ करे थी और हम उसको कुछ बोल ही नहीं पाए कुछ, मैं तो उसको कुछ देख भी बोल भी नहीं पा रही थी, समझ भी नहीं पा रही कि उसको क्या कहूँ क्या, बस मैं तो देखे ही जा रही थी देखे ही जा रही थी। तो वो थोड़ी देर रुकी, हाथ आगे किया और फिर वो मुड़ गई। जैसे ही वो मुड़ी तो जैसे किसी एकदम से होश आता है कोई, हम ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ खोए हुए, तो एकदम से होश मेरा आता है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि देखिए ये तो कोई ऐसी लेडी थी जो बिल्कुल अम्मा की तरह दिखाई दे रही थी और वो कुछ मांग रही थी और उसने हाथ भी आगे किया पर हम उसको कुछ दे नहीं पाए। तो मेरे को बड़ा अंदर से लग रहा है कि वो कुछ मांग रही थी और हम दे नहीं पाए। तो ये मेरे से बोलते हैं तो अच्छा रुको मैं उसको लेके आता हूँ। तो ये जाते हैं और बिल्कुल मतलब वो मुड़ी ही थी, थोड़ा ही सा चली थी और ये तुरंत ही जाते हैं देखने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे इतने भरे डिब्बे में से कि वो लेडी कहाँ चली गई, समझ ही नहीं आया कि वो मतलब ये मुड़े ही थे, कुछ सेकंडों के बीच की ही बात है कि वो लेडी कहाँ चली गई। हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा मतलब कैसे हो सकता है। तो इन्होंने पूरे डिब्बे में ढूंढा, देखते रहे, लेकिन वो हमको कहीं भी नहीं मिली। तो ये घटना एक ऐसी घटना थी कि इस पूरे भरे डिब्बे में किसी के पास नहीं आई, वो केवल मेरे ही पास आई। और फिर उसके बाद वो किसी से और भी कुछ मांग नहीं था तो किसी और के पास भी मांगती, लेकिन वो कहीं नहीं गई, वो सीधे हमारे पास गई और उसके बाद तुरंत ही ओझल हो गई आंखों से, कहाँ चली गई इतनी जल्दी, इतने डिब्बे में से जाना आश्चर्यजनक घटना थी। तो हम सभी लोग बहुत परेशान से थे, पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो वो तो बहुत लाइटली लिया इस चीज़ को उन्होंने, क्योंकि उनका नेचर थोड़ा बहुत लाइट है, और वो बोले अरे होगा कोई, चलो छोड़ो छोड़ो। लेकिन ये जो मेरे लिए तो ये घटना बहुत अंदर तक मेरे को हिला गई कि हो सकता है साईं बाबा ही हों जो मैं उस समय बाबा का ध्यान कर रही थी, काफ़ी बाबा की भक्ति में थी और इसलिए बाबा मुझे दर्शन देने आए थे। तो ये जो घटना थी वो मुझे काफ़ी अंदर तक परेशान किया इस घटना ने। इसके बाद हम लोग मंदिर भी गए, शिरडी पहुँचे, मंदिर गए, दर्शन किए और सब कुछ अच्छे से दर्शन करके हम लोग आए भी, घर आ गए। लेकिन आज जब मैं उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो उस समय तो मैं कुछ नहीं कह पाई, पर मैं आज जब बाबा से इतना जुड़ी हूँ
तो आज मैं बोल पाती हूँ कि वो जो घटना थी वो घटना मतलब ऐसी घटना थी कि उसने मेरी भक्ति को बहुत दृढ़ किया है। और उसके बाद जो मैं आज हाथ वो आगे कर रहे थे उसके बारे में मैं आज बता पा रही हूँ जब उनसे इतना जुड़ गई हूँ, तो कि वो मेरे से ये कहना चाहते थे क्योंकि उस घटना के बाद जो मेरा समय आया तो बहुत ही ज़िंदगी का मेरी ज़िंदगी का बहुत ही ख़राब समय था। तो वो ख़राब समय के पहले ही आके वो अपना हाथ बढ़ा के मेरे से बोलना चाहते थे कि बेटा तू मेरा हाथ पकड़ ले, तेरी सारी मुश्किलें परेशानियां मैं दूर कर दूंगा। लेकिन मैं उस समय तो वो हाथ नहीं बढ़ा पाई, परंतु मेरे जीवन में इसके बाद भी बाबा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं उनको नहीं समझ पाई लेकिन उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और वो हर बार मेरे पास आते रहे। और उसके बाद एक घटना और हुई है मेरे साथ जिसमें उन्होंने मेरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने उस समय उनका हाथ पकड़ लिया और फिर उनकी भक्ति में उन्होंने अपनी भक्ति में मेरे को इतना डुबोया है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब मेरी आस्था, मेरी भक्ति, मेरा विश्वास सब कुछ आज साईं हैं। और उन्होंने मुझे इन जीवन की जितनी मेरे आगे आने वाला जीवन था उसमें बहुत ख़राब समय था, उस ख़राब समय में से उन्होंने मुझे निकाला है। आज जो मैं आप सबके सामने इस अनुभूति को बता पा रही हूँ तो मैं उन्हीं का है कि वही यदि साई नहीं होते तो मैं बहुत ही ख़राब समय से निकलना था मुझे और उसमें उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। तो मैं आप सभी से यह प्रार्थना करती हूँ कि बाबा का कभी भी साथ ना छोड़ें और उन पर पूरा विश्वास रखें। बाबा हर समय हर के परेशानी से हमको निकालते हैं, जैसे ही हमारा ख़राब समय आने वाला होता है वो पहले ही आ जाते हैं और मदद करते हैं। तो आप सभी को मैं बोलना चाहती हूँ बाबा पे दृढ़ विश्वास आस्था बना के रखिए और सबूरी रखिए। जिस तरह से भी समय ख़राब हो बस वो धीरे धीरे सबूरी रखिए, वो समय निकल जाता है। बाबा पे विश्वास रखेंगे तो जैसे बाबा ने पहले से ही आके मेरी भक्ति को दृढ़ किया, अगर ये घटना नहीं हुई होती तो मेरी भक्ति इतनी दृढ़ ना होती और आगे जो बाबा पे मैंने विश्वास कर पाया वो मैं ना कर पाती। तो ये है कि बाबा ही ऐसे हैं कि जो हमारी जीवन की सारी परेशानियों को दूर करते हैं, बस हमें उन पे विश्वास करना होता है, थोड़ा सब्र करना होता है। तो साईं पूजा चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी इस अनुभूति को बताने के लिए एक मौका दिया। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को ओम साईं राम।